हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यह है एमकेट की तरफ से आने वाला एक बजट साउंड बार और आज इसका डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। वैसे इस स्पीकर को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं, तो डिवाइस कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं बॉक्स कॉन्टेंट की। तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स दिया गया है और इसका नाम है बूमर कॉम्पैक्ट साउंड बार प्रो। बहुत ही लंबा नाम है। इस साइड में हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है, बाकी इस साइड में स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मिल जाती है। अब चलिए सील को ब्रेक करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक रिमोट दिया गया है जिससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का छोटा सा रिमोट मिल जाता है, बट इसमें आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद मोड को स्विच कर सकते हैं, उसके बाद इक्वलाइजर की यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, सॉन्ग को चेंज वगैरह कर सकते हैं और इसमें आपको न्यूमेरिक की भी मिल जाती है और यहाँ पर एमकेट की ब्रांडिंग है। उसके बाद यहाँ पर रिमोट के लिए बैटरी भी इन्होंने प्रोवाइड करी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद साउंड बार रखा हुआ मिल जाता है, उसके बाद यूज़र मैनुअल और यहाँ पर आपको दो केबल मिलती है, एक तो है ऑक्स केबल, दूसरी है टाइप सी केबल चार्जिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं। बाकी अब आते हैं साउंड बार की तरफ। तो ये रहा साउंड बार और सबसे पहले इसकी बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है, जहाँ पर फ्रंट में आपको मेश मिल जाती है और यहाँ पर बटन्स दी गई है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो मेश मिलती है वो मेटल की मिल जाती है और जो ऊपर साइड में बॉडी है वो प्लास्टिक की मिल जाती है, बट इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है जो कि मस्त लगती है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो एमकेट की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाती है और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है जिससे इसको ऑपरेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सबसे पहले मोड बटन है जिससे आप मोड को स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आपको FM रेडियो पे जाना है या फिर ब्लूटूथ में जाना है उसको आप स्विच कर सकते हैं। उसके बाद प्लस माइनस बटन है जिससे आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं और इस बटन से आप प्ले पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको माइक्रोफोन भी दिया गया है। बाकी इस सेट की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया गया है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। उसके बाद ऑक्स पोर्ट और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर USB पोर्ट भी दिया गया है जिसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं और यहाँ पर आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, उसके बाद SD कार्ड भी लगा सकते हैं, ऑक्स का सपोर्ट भी दिया गया है और ब्लूटूथ तो मिलता ही है। अच्छा, इसमें TWS कनेक्टिविटी का फीचर भी दिया गया है, तो अगर आपके पास इस तरह का दो स्पीकर है तो दोनों को आपस में सिंक कर सकते हैं और स्टीरियो साउंड का मज़ा ले सकते हैं। और इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, बट कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है इसकी और इसमें आपको 10 मीटर की रेंज मिल जाती है। हालांकि ब्लूटूथ 5.3 होता तो और बेहतर होता। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन तो अच्छी है, बट इसमें कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। मतलब मैंने इनकी वेबसाइट पर चेक किया तो कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसको आपको पानी से दूर रखना पड़ेगा वरना ये ख़राब हो सकता है। और बैटरी की बात करें तो इसमें 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है और अगर आप इसको 70% वॉल्यूम पर सुनते हैं तो आपको आराम से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। बाकी अगर इसको 100% वॉल्यूम पर सुनते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है इसमें। और चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में। हालांकि टाइप सी पोर्ट दिया गया है तो आसानी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी मिल जाता है, तो इस पर आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। बाकी माइक की क्वालिटी कैसी है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो अभी तक जो आप लोग आवाज़ सुन रहे थे वो मेरे इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही थी और अभी अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस स्पीकर के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप कॉल पर बात करेंगे इससे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी, हेलो 1 2 3 चेक, इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है इसके माइक्रोफोन से। बाकी अभी ये मेरे से काफ़ी करीब है तो दूर करते हैं तो कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलेगी और पास करते हैं तो इस तरह की क्वालिटी मिल जाती है आप लोगों को। चलो बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है साउंड क्वालिटी। तो इसमें आपको 2 स्पीकर मिल जाता है और सिंगल स्पीकर से 8 वाट का आउटपुट जनरेट करता है ये, तो इसमें आपको टोटल 16 वाट का आउटपुट मिलने वाला है। बाकी बीच में बेस के लिए बेस रेडिएटर दिया गया है। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इसकी, लेकिन पहले आप लोग आवाज़ सुनिए उसके बाद बात करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर स्विच दिया गया है, इसको ऑन करते हैं तो ये इस तरह से ऑन होता है। बाकी एक चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी मिल जाती है जो कि बहुत ही सही चीज़ है। तो देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है, अब इसमें सॉन्ग को प्ले करते हैं। और इसमें रिमोट भी मिल जाता है जो कि बहुत ही सही चीज़ लगी मुझे और इससे इसको यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। मतलब अगर आप साउंड बार को दूर भी रखेंगे तो रिमोट के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। Thank you.
तो आप लोगों ने इसकी आवाज़ सुन ली, बाकी अब बात करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बेस बहुत ही बढ़िया और थंपिंग बेस मिल जाती है, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर बेस इतनी अच्छी मिलने वाली है। तो बेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मिड्स और हाइस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मतलब वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं और ट्रेबल काफ़ी शार्प और क्रिस्प मिलते हैं। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी, तब तक जब तक आप इसको 70% वॉल्यूम पर सुनते हैं। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, बट अगर आप इसको फुल करते हैं तो वहाँ पर साउंड फटने लगता है। तो इसका जो बेस्ट आउटपुट है वो है 70% पे, और ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो ये आराम से मीडियम साइज़ के रूम को फिल कर देगा अपनी आवाज़ और बेस से। और यहाँ पर आपको 6 इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। और इसमें FM का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि अच्छे से वर्क करता है। हालांकि अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो अभी FM। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं और इसका प्राइस कितना है। तो भाई इसका प्राइस है 1800 रुपये, और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका। कभी की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक कमी लगी, इसमें कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है जो कि होना चाहिए था, और जब आप इसको फुल करते हैं तो वहाँ पर साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। बाकी 70% वॉल्यूम से नीचे सुनेंगे तो वहाँ पर साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा डिवाइस है, और अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। अमेज़न पे आप लोगों को 1800 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको MKET.com से लेते हैं तो वहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ABTECH10, और आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को लेना है तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को ये डिवाइस कैसा लगा, कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।